हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी फैक्टर में। दोस्तों इस वीडियो में हम सौरमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों आज ये विश्व भूगोल का पांचवा अध्याय पांचवा क्लास होगा, जिसमें दोस्तों हम मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम बुध ग्रह, शुक्र और शनि के बारे में, सॉरी बुध शुक्र और पृथ्वी के बारे में हम बात कर चुके हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। दोस्तों मंगल ग्रह की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि मंगल ग्रह यदि हम क्रम के अनुसार देखिए तो यह सौरमंडल का चौथा ग्रह है सूर्य के दूरी के हिसाब से। वहीं बात कर लेते हैं यदि इसके आकार की बात करें तो यह सौरमंडल का सातवां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी और शुक्र के बाद मंगल सातवां सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं इसके कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों पृथ्वी के बाद जितने भी ग्रह होंगे जैसे मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, सब पे तापमान कम ही रहता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्योंकि सूर्य से दूर है और यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है और तापमान कम होता है। दोस्तों मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के हिसाब से बात करें तो ये सूर्य से 22.78 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों वही ये पृथ्वी की दूरी से बात करें तो 5.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है यह पृथ्वी से। दोस्तों इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसे लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके धरातल पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, इसके कारण यह देखने में लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। दोस्तों यदि हम परिभ्रमण समय की बात करें मतलब अपने अक्ष पे घूर्णन की बात करें तो यह 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकंड में यह एक अक्ष पूरा कर लेता है लगभग पृथ्वी के समान। दोस्तों वही बात कर लेते हैं व्यास की बात करें तो इसका व्यास 6800 किलोमीटर है। दोस्तों यदि परिक्रमण की समय की बात करें दोस्तों यह 687 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। वैसे तो ये 688.98 दिन होता है लेकिन इसे हम 687 दिन कहते हैं, 686 ये है, ठीक है। दोस्तों अच्छी झुकाव की बात करें तो दोस्तों इसका अच्छी झुकाव 25 डिग्री है लगभग पृथ्वी से थोड़ा ज्यादा, तो यहाँ भी मौसम परिवर्तन होते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं उपग्रह की। दोस्तों इसके दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिमोस। डिमोस की बात करें दोस्तों ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और जिसका व्यास 12 किलोमीटर है, और फोबोस की बात करें तो इसका व्यास 23 किलोमीटर है। दोस्तों ये हो गया दो उपग्रह। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसपे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वो है ओलंपस मेसी, यह इसी ग्रह पे पाया जाता है दोस्तों। और सौरमंडल की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वो है निक्स ओलंपिया, जो कि एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, यह भी मंगल ग्रह पर ही पाया जाता है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं मंगलयान, जो भारत द्वारा 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से भेजा गया था। ये PSLV C-25 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और दोस्तों यह 24 सितंबर 2014 को कक्षा में प्रवेश कर गया। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनसाइट लिखा हुआ है, इनसाइट। दोस्तों इनसाइट का संबंध मंगल ग्रह से है, जो नासा द्वारा एक कार्यक्रम है इसके तहत मंगल पर खोज जारी है, उस पर खोज की जा रही है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम बृहस्पति ग्रह पे। तो बृहस्पति की बात कर ले दोस्तों तो जो बृहस्पति ग्रह है यह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है और क्रम के अनुसार पांचवा ग्रह है। यदि सूर्य से क्रम की बात करें तो बृहस्पति 5वें नंबर पे है। और दोस्तों अब स्थिति की बात करते हैं सूर्य से दूरी की बात करें तो दोस्तों यह सूर्य से 77.84 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों घूर्णन अवधि की बात करें तो वह 9 घंटा 55 मिनट में अपना एक घूर्णन पूरा कर लेता है। तो दोस्तों यह सब यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे तीव्र कक्षी गति वाला ग्रह है, अर्थात यह सबसे तेज घूर्णन करता है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं परिक्रमण समय का। दोस्तों यह सूर्य की एक परिक्रमा 11.86 वर्ष में करता है। दोस्तों वही उपग्रह की बात करें तो दोस्तों अभी तक आप जानते थे कि बृहस्पति ग्रह के जो उपग्रह है वह सबसे अधिक है, लेकिन दोस्तों अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि शनि ग्रह पे 20 नए उपग्रह की खोज हुई है, जिससे अब शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह है, वही बृहस्पति के पास 79 उपग्रह ही है। तो ये दूसरा ऐसा ग्रह है जिसके सबसे अधिक उपग्रह है, सबसे अधिक उपग्रहों वाली ग्रह जो है वह है शनि, तो दोस्तों याद रखिएगा। और यदि इन उपग्रहों में सबसे बड़ा जो है वह है गैनीमेड, बृहस्पति का
सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों। यूरोपा भी इसका एक उपग्रह है, जिसपे दोस्तों पृथ्वी पे जैसी बर्फीली सतह पाई जाती थी वैसी उसपे आशा की गई है या वो किया गया है कि ऐसी इसपे सतह होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसकी त्रिज्या की बात करते हैं, उसका त्रिज्या 71,492 किलोमीटर है। कितना है? 71,492 किलोमीटर। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा ग्रह होगा। दोस्तों यह उच्च धवलता होता है, अर्थात ये पृथ्वी से देखने में काफी चमकीला होता है। इसका कारण क्या है कि जो इसका संरचना है वह सूर्य के समान है, क्योंकि इसमें 75% हीलियम है, 24% ये हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 75% दोस्तों हाइड्रोजन है और वहीं पे 24% हीलियम है, लगभग सूर्य जैसा ही इसकी तात्विक संगठन है। दोस्तों इनमें वलय पाए जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह के वलय पाए जाते हैं। किसके? क्षुद्र ग्रह के वलय पाए जाते हैं। प्रश्न पूछता है कि किन दो ग्रहों के बीच वलय पाए जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, बृहस्पति और मंगल के बीच वलय पाए जाते हैं। दोस्तों वलयों का सर्वप्रथम खोज 1979 को वायजर फर्स्ट स्पेस प्रोब ने किया था। किसने किया दोस्तों? वायजर फर्स्ट स्पेस प्रोब ने वलयों की खोज की थी और वलय बृहस्पति और शनि के मध्य पाए जाते हैं, यह क्षुद्र ग्रह होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं शनि की। दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो मिलते रहे। यदि वीडियो अच्छा लगा है पिछला वाला तो उसे लाइक कर दें दोस्तों, और नए वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आपको टेलीग्राम पे बस सर्च करना है स्टडी फैक्टर, दोस्तों हमारा चैनल आ जाएगा, यही सेम लोगो मिलेगा आपको यूट्यूब वाला, उससे आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों आप हमें फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, एपी पे जुड़ सकते हैं। दोस्तों इसी चैनल के नाम से स्टडी फैक्टर सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं हम शनि की। शनि की बात करें दोस्तों, ये क्रम में बात करें तो ये छठवां ग्रह है, और आकार में बात करें तो यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों सूर्य से दूरी की बात करें तो यह 142.6 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं घूर्णन अवधि, तो यह 10 घंटा 34 मिनट में अपना एक घूर्णन पूरा कर लेता है। दोस्तों वहीं उपग्रहों की बात करें तो सर्वाधिक उपग्रह है इसके सौरमंडल में, अब ये चेंज हो गया है। जैसे आप याद रखें अभी तक बृहस्पति था, लेकिन अब क्या हो गया है शनि हो गया है। दोस्तों वहीं वलयों की संख्या की बात करें, दोस्तों आपको बता दें कि आपने जब भी इसका चित्र देखा होगा तो शनि के ऐसे चित्र आपको मिलते हैं, तो दोस्तों इस पे वलय पाए जाते हैं, तो इनके वलयों की संख्या 7 है। एग्जाम में पूछता है कि वलयों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा इनके वलयों की संख्या 7 है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह है टाइटन, और इसका व्यास 5150, इसका जो व्यास है वह 5150 किलोमीटर है, लगभग बुध ग्रह इतना बड़ा। दोस्तों घनत्व की बात करें तो घनत्व के मामले में यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। यदि इसे पानी में डाल दिया जाए तो यह तैरने लगे, क्योंकि इसका घनत्व पानी से भी कम है। इसका घनत्व 0.7 ग्राम सेमी क्यूब है। दोस्तों वही बात कर लेते हैं इसके तात्विक संगठन की। दोस्तों यह सेम सूरज और बृहस्पति की तरह है, इसमें 74% हीलियम हाइड्रोजन और 24% हीलियम उपस्थित है। दोस्तों इसे गैस का भी गोला कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैस की मात्रा सर्वाधिक है। दोस्तों बात करते हैं इसके रंग की, तो दोस्तों ये पीला रंग दिखाई देता है और यह नंगी आंखों से देखा जाने वाला अंतिम ग्रह है। इसके बाद दोस्तों आप अरुण और वरुण जो ग्रह है उसे आप बिना दूरबीन की सहायता से नहीं देख सकते। दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कैसिनी मिशन और पायनियर मिशन। दोस्तों ये दोनों मिशन शनि ग्रह से ही संबंधित है। दोस्तों याद रखिएगा कि कैसिनी मिशन और पायनियर मिशन का संबंध किससे है, तो वह शनि ग्रह से है। तो दोस्तों ये आज के लिए था, आज हम इन 3 ग्रहों के बारे में बात किए हैं। आगे हम बढ़ेंगे, कल वीडियो आएगा उसमें आपको बचे हुए 2 ग्रह, बाकी चंद्रमा और सौरमंडल और ग्रहों उपग्रहों से संबंधित जो तथ्य होंगे उसे पढ़ा के खत्म कर दिया जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसी तरह यह क्लास चलती रहेगी, और जैसा हो सकता है मैं एक क्लास और बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और, यदि आपके मित्र तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो ये वीडियो उनको जरूर भेजें। दोस्तों इस वीडियो का जो ये पूरा क्लास चलेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उसका कोई भी शुल्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2-4 क्लास होने के बाद आपसे शुल्क मांगा जाएगा। विश्व भूगोल की जो पूरी क्लास होगी
चाहे वो क्लास 50 क्लास हो, 100 क्लासेज हो, 150 क्लासेज हो, वह पूरी तरह से निशुल्क होगी, आप इसे फ्री में पढ़ सकते हैं। तो अपने सभी दोस्तों और सभी मित्रों को यह वीडियो शेयर करना न भूलें। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।